खत्म करने का फैसला किया है। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल पी आई एम मुलाजमीन की आठ रोजा हड़ताल में छह सौ फ्लाइट मनसूख हुई ढाई अरब रुपए का नुकसान हुआ और दो कीमती जानों का नुकसान हुआ और आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने यह ऐलान ऐलान किया कि हम हड़ताल को खत्म कर रहे हैं और मुजाक के लिए हुकूमत से मुख के लिए हम लाहौर जाएंगे अब अहम सवाल यह पैदा होता है कि क्या पी आई ए के मुलाजमी और यूनियंस कमजोर पड़ रहे थे क्योंकि हुकूमत अपनी पोजिशन पर डटी हुई थी कि जब तक हड़ताल नहीं खत्म होगी हम इनसे किसी किस्म के मुजाकरात नहीं करेंगे या किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई गई है पी आई ए के मुलाजमी और यूनियंस को जिसकी वजह से आज उन्होंने ये स्ट्राइक की कॉल खत्म की है सवाल ये भी है कि क्या पी आई ए की जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग सियासी पोजिशन ली हुई थी कि इस निचकारी को नहीं होने देंगे और हम यूनियन के साथ खड़े हुए हैं यह पार्टी अब कहा खड़ी हुई इनके लिए एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है अगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुजाकर तय पा जाते हैं तो फिर इन पार्टीज का मौक़ क्या होगा क्या तब भी ये दोनों जमातें प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ होगी या जो भी समझौता होगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान उस पर यह भी राजी हो जाएंगे इन तमाम इशूज पर बात करेंगे लेकिन पी आई पीपल्स पार्टी सिर्फ पी आई ए मसला नहीं हुकूमत के साथ एक और इशू भी है कल चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब ने तश्वीश का इजहार किया था कि हमारे रहनुमाओं को और हमारे यहाँ जो सिविल सर्वेंट जो ब्यूरोसी है उनको हरासा किया जा रहा है हरासा करने में नैब आगे है इंतकामी कार्रवाई हो रही है लेकिन वफाकी हुकूमत ये साजिश कर रही है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ क्या वजह है कि पहले रेंजर्स के इकदाम पर एतराज़ था पीपल्स पार्टी को और अब जब नैब करप्शन केसेस के हवाले से काम कर रही है तो उस पर भी एतराज है पीपल्स पार्टी को और खासतौर तो पर एतराज है कि शर्जील मेमन साहब पे जो इस वक्त नैब का मुकदमा है और उनका नाम ई पर क्यों डाला है तो इस मौजूद पर भी बात होगी मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनम नई उलहक साहब बहुत बहुत शुक्रिया नईम उल्हक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ कराची से मौजूद है शर्मिला फारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेबर प्रोविंशल असेंबली है आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे मेंबर ने तलाल चौधरी साहब आपसे शुरू करता हूं शर्मिला फारूकी साहबा क्या पोजीशन होगी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप लोगों ने तो खुलकर जो है एहत किया एक्शन कमेटी के साथ आज उन्होंने अपनी स्ट्राइक की कॉल वापस ले ली और मुजाकर की टेबल पर बैठ गए हुकूमत के साथ देखिए ये तो हमारे लिए और हम सबके लिए बड़ी खुशाइन बात होनी चाहिए कि फाइनली आ, हुकूमत ने अपनी हट दर्मी को एक तरफ के आ, इस इस बात पे वो कायल हुए हैं कि वो मुजाकर की टेबल पर आएं। देखिए कोई भी मामला मुजात के अलावा हल नहीं हो सकता लेकिन लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत ने दो कीमती जाने ज़ाया करवा दी और न जाने कितने मुसाफिर जो हैं वो आ, 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 बहुत ज़्यादा उनको इनकनवीनियंस हुई क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हुई लोगों ने धरने दिए एहतजाज हुआ और इतना वक्त कौम का और लोगों का ज़ाया हुआ पूरी दुनिया में एक मजाक बना एक कौमी एयरलाइन है अपने ही लोग हैं अपने ही पायलट्स हैं अपने ही मुलाजमीन हैं और उनके साथ ये रवैया एक डेमोक्रेसी के अंदर इस वक्त अगर मैं आप टी वी पर देखें मुख्तलिफ चैनल्स पे शहजाद साहब तो आपको नज़र आएगा कि हुकूमत के जो मुख्तफ नुमाइंदे हैं वो आज भी बड़ी गैरज़िमेदार गैरज़िमेदारा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बड़ी हाश टोन में बात कर रहे हैं देखिए जॉइंट एक्शन कमेटी के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो सड़कों के ऊपर आए लेकिन हमेशा जो हुकूमत होती है उसका काम होता है लचक दिखाना जो अनफॉर्चुनेटली दिखाया जब तक आ, बात अच्छा, सवाल नहीं गुजर इसीलिए मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ऐसा लगता है कि यूनियन और मुलाजमी जो है वो कमजोर पड़ गए देखिए जिसको जो हुकूमती पोजिशन है जिसको आप हर धर्मी कह रही है हुकूमत उस पर बरकरार रही हुकूमत ने कहा मुजाकृत नहीं होंगे जब तक आप स्ट्राइक कॉल वापस नहीं लेंगे आज स्ट्राइक कॉल वापस लेनी पड़ी है और इसके बाद مذاکرات होने जा रहे तो हुकूमत अपनी पोजीशन पे खड़ी रही है पीछे हटें जॉइंट एक्शन कमेटी देखिए नहीं देखिए शहजाद साहब हुकूमत भी مذاکرات के टेबल पे आई है आ, मैं डेफिनेटली पीआईए की स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि बहुत ज्यादा जो متاثر हुए हैं वो मुसाफिर हुए हैं किसी की डेड बॉडी आनी थी लोगों ने अपनी जगह पे पहुँचना तब हुआ लेकिन लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी को उस नहज पे ले आया गया जहां पर उनको ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा ये नहीं होना चाहिए था अगर पहले ये बातचीत हो जाती देखिए ना अपोजिशन की जानब से ये भी बात की जा रही है कि भाई आप छब्बीस परसेंट शेयर्स के अंदर पूरा पी बेच रहे हैं अब आप उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते अब आप उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले तो मुझे ये बताया हुकूमत कि जनाब इनकी प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी क्या है क्या जस्टिफिकेशन ज्वाइंट एक्शन का और पी एम एल एन हुकूमत जो है वो राजी हो जाते हैं इतफाक कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन पे तो पीपल्स पार्टी कहा खड़ी होगी फिर सवाल ये है देखिए देखिए हम तो पाकिस्तान के मफाद में खड़े रहेंगे और हम तो हर लम्हा और आखिर दम तक इस प्राइवेटाइजेशन को अपोज करेंगे क्योंकि पर्सनलाइजेशन की जा रही है आप 26 परसेंट शेयर दे के पूरे पी को आप जो है बेच रहे हैं आपके हाथ से मैनेजमेंट कंट्रोल निकल जाएगी किस तरीके से आप ये गारंटी देते हैं कि आपके मुलाज़मीन की जॉब सिक्योरिटी होगी आप प्रोफेशनल बोर्ड्स बनाए ना आप अगर इंडिया को देख ले तो वहाँ जो जो बोर्ड्स हैं एयरलाइंस के उसमें एविएशन एक्सपर्ट्स बैठे

तरीके इंसाफ जो के मुजाहरन के साथ खड़ी हुई थी प्रोटेस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ खड़ी थी आप क्या खड़े होंगे आप वो तो मुजात की टेबल पर बैठ गए देखिए सबसे पहले तो मैं शर्मिला साहबा की बात से पूरी तरह मुंतक हूँ जो उन्होंने अभी बातें की हमारा मौकफ़ भी यही है कि अगर पी आई के यून बातचीत पर आमादा हो गई हैं हुकूमत बातचीत पर आमादा हो गई है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं दूसरी बात यह है कि ये प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हुकूमत ने अभी तक वो तमाम बातें तमाम हकैक़ मंजर आम पर नहीं लाए हैं जिनकी ज़रूरत थी ये मसला पैदा ही ना होता अगर बाकायदा इस पर काउंसिल ऑफ कामन इंटरेस्ट में या कौमी असम्बली में इस पर बहस की जाती और पी आई के मुलाजमीन को बाकायदा अतमाद में लिया जाता जो नहीं हुआ और फिर सोने पर सहागा ये कि दो पी आई के मुलाजमीन को सीने पर गोली मार कर उनको शहीद कर दिया गया ये कैसे हुआ क्या हुआ वो सवाल या अभी तक क़ायम है हम मुतालबा करेंगे हुकूमत से मरकजी से भी और सूबा हुकूमत से भी मुकम्मल तौर पर वो तफ्तीश कर, कर हकायक जो हैं इन दोनों शहादतों के हवाले से अवाम के सामने लाए अगर हुकूमत और उनके यूपीआई की दरमियान कोई समझौता तय पा जाता है और तो मैं समझता हूं कि हम इसको सपोर्ट करना चाहिए हम करेंगे इनका मैं नसरुल्ला आफरीदी हमारे साथ मौजूद है इनसे भी बात करेंगे तलाल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया उनसे करेंगे नसरुला आफरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के स्पोक्स पर्सन है साहब आप लोगों ने जो पोजिशन ली थी कि पहले प्राइवेटाइजेशन की कॉल वापस लें और उसके बाद हम जो है करेंगे तो ये सडनली क्या हुआ उन्होंने वापस नहीं ली प्राइवेटाइजेशन की कॉल इनफैक्ट जुबैर साहब को मैं सुन रहा था वो अभी तक अपनी पॉलिसी पे जो है खड़े हुए हैं आप लोगों ने स्ट्राइक कैसे खत्म कर दी असल में बात यह है कि हम ये जो स्ट्राइक की कॉल हमने दी और हमने स्ट्राइक की और हमने पहिया जाम किया वो हमने तकरीबन दो महीने के बाद किया और 60 दिन तक हम इंतजार करते रहे हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर तकरीबन दो महीने पहले डेढ़ महीने पहले की बात है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमसे यह कहा और हमने उनको सिफारिशात पेश करने की बात की हमने कहा जी हम इसका रिवाइवल कर सकते हैं हम आप हम पी के लोग हैं हम आपको बताएंगे कि पी का रिवाइवल कैसे होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमसे बात की और उन्होंने कहा कि जी नेक्स्ट मीटिंग हम रखेंगे आप जो है अपनी तैयारी करके लाइए मुझे दिखाइएगा उसके बाद हमने अपनी तैयारी की मगर हमें कुछ बीच में इस किस्म के गैर संजीदा लोगों ने जो अभी भी गैर संजीदा बयाना दे रहे हैं उन्होंने हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात नहीं होने दी और प्राइम मिनिस्टर साहब को जो है मिसब्रीफ करते रहे और उनको हमारी गलत पिक्चर दिखाते रहे की ये देखें आपके खिलाफ बोल रहे हैं इन्होंने पहिया जाम कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर साहब खत्म कैसे हुई सर ये ये बताया न तो दो हफ्ते अच्छा। से बहस हो रही है खत्म कैसे हुई आप लोगों ने कहा था नहीं खत्म करेंगे जब तक हुकूमत पीछे नहीं हटेगी निचकारी देखें मैं अपनी बात के लिए ग्राउंड बना रहा हूं ताकि आपको समझ में भी आए और सुनने वालों को भी समझ में आए तो हुआ ये कि उसके बाद जो है ये गैर संजीदा लोग जब दरमियान में थे तो हमें इन्होंने आ, आ, हमें अंदाजा हुआ कि ये गैर संजीदा लोग जो है हमें प्राइम मिनिस्टर साहब तक नहीं पहुंचने देंगे तो हम मजबूर होकर स्ट्राइक पे चले गए अब संजीदा लोग दरियान में आए हैं संजीदा लोग वो लोग हैं कि जो इस मामले को समझते भी हैं हमारे मौके को भी समझते हैं जिनका नाम निसार अली खान है और जिनका नाम शहबाज शरीफ साहब है ठीक है ये संजीदा लोग दरमियान में आए हैं इन्होंने हमारे मौके को भी समझा हमारी बात को भी समझा है और इन्होंने कहा है कि जी आप आइए आप ये बात हम आपकी करवाते हैं

देखें अगर उनका ऐसा कोई इरादा नहीं लगता तो फिर ये बेनतहा बदकिस्मती है हमने तो इस चीज पे ये स्ट्राइक वापस लिए कि लोगों को तकलीफ की सेफ्टी ने, पे किसी पे ने, लो किसी, लो किसी ने ने पेमाइजी आपको दिलवाई है किसी ने अश्योरिटी दिलवाई है की आपकी निचकारी के ऊपर बात करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उसी जी मैं उसी पे आ रहा हूँ हमने जो हमने हमने इसे सेफ्टी पे, पे कम्प्रोमाइज हो रहा था बेतहा जो है ये नुकसान हो रहा था लोगों को तकलीफ थी और हम ये नहीं चाहते थे कि ये किसी भी किस्म का जो है इसमें मजदीद ऐसा कोई चीज पैदा हो जिससे मुल्क और कौम का नुकसान हाँ। हो तो हमने जो है ये निचकार मुल्क और कौम का अलहमदुल्ला बड़ा नुकसान कर चुके हैं अब ये आपने क्या ये हुकूमत ने किया उस उस आप लोग बहस करते रहे किसने किया लेकिन दोस्त जाने गई है आज समा से बात थी। तलाल साहब आपने ये कहा था कि हुकूमत ने लिफ्ट नहीं कराई ज्वाइंट एक्शन कमेटी को और वो तिनके का सहारा ढूंढ रहे और आपने ये सुबह ही बता दिया था कि ये जो है अपनी स्ट्राइक खत्म कर देंगे तो कैसे आपने आमादा कर दिया स्ट्राइक खत्म करने पर इनको तलाल साहब देखिए मेरा ख्याल है कि मैं इसको समझता हूँ कि ये एक असूल जो है उसकी जीत हुई है मैं नहीं समझता कि ये हम मेरी जीत है या हमारी पार्टी की जीत है एक असूल पे हम खड़े थे और इखलाकी तौर पर भी असूली तौर पर भी देखिए इसमें ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ना हमारी किसी जात का ये एक ऐसा मामला है जिससे छः सौ अरब रुपया पाकिस्तान का मुख्तलफ अदारों के नुकसान में जा रहा है और यह कोई एक रात में या एक दिन में पैदा नहीं हुआ यह पिछली कई दहाइयों से चल रहा है और मुख्तलि तजर्बात किए गए मुख्तलिफ सब कुछ किया गया और उसके बाद किसी जब नतीजे पे ना पहुंच सके तो एक पूरी दुनिया में मुसलमा असूल भी है समझे और ये माना हुआ असूल है कि जो जब प्राइवेट सेक्टर को साथ शामिल किया जाता है तो हकूमत सवाल जो कारोबार अलग था, था।, था।, था। सवाल यह था कि स्ट्राइक खत्म करवाने पे कैसे आपने मजबूर कर दिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आपने जो आज कहा कि नो लिफ्ट हमने करवा दी इसलिए आपके ख्याल में वो आमादा हो गया स्ट्राइक खत्म करने पर देखिये मैं आपसे कह रहा हूं कि हकूमत एक असूल पे खड़ी थी और असूल हमने ये हमारा एक कौमी मुफाद में पाकिस्तान के मुफाद में हुकूमत ने स्टैंड लिया और उसका स्टैंड ये है कि ये पी आई ए जो नुकसान से निकलकर मुनाफ़ा बख्श बनाना चाहिए और मुनाफा बख्श बनाने के लिए उस असूल को हमने आ, आ, देखा जो कि पूरी दुनिया में माना जाता है कि इसमें प्राइवेट लोगों को शामिल किया जाना चाहिए इसके बोर्ड बनना चाहिए इसकी मैनेजमेंट नहीं आनी चाहिए इसको रिफॉर्म होना चाहिए तो मैं समझता हूँ इस असूल की जीत हुई है और मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई ईगो तो नहीं इस है ना बड़ी बदकिस्मती होगी हटेंगे देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी अपनी कोई ईगो नहीं है वो एज ए पाकिस्तान का मुफाद जहां है वही उनकी ईगो है पाकिस्तान का जो मुफाद है वो इसी चीज में है कि टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं आप जरा अंदाजा लगाएं कि 600 सौ अरब रुपया अगर पिछले दस सालों से ये पाकिस्तान में लग रहा होता पाकिस्तान में दो सौ बहत्तर हल्के हैं दो अरब रुपया साल का अगर लग रहा होता पिछले दस सालों से कोई स्कूलों की क्या हालत होती अस्पतालों की क्या हालत होती सड़कों की क्या हालत होती तो क्या हमने सारी उम्र इसी तरह नुकसान करना है हम इस नुकसान इससे निकलना चाहते हैं बाकी हम पर इल्जाम लगाया जाता है, है मतलब सिर्फ तो पूछना है ये चाह रहा हूं कि कोई और, कोई बीच का रास्ता है या जिस चीज पे आप डटे हुए थे कि हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर लाना है वो ही करेंगे ये सिर्फ मेरा सवाल है वो मुझे पता है क्यों आप करना चाह रहे हैं प्राइवेटाइज वो तो आप बहुत दफा बता चुके लेकिन अभी भी उस उसी उसी पर डटे हुए या शहबाज शरीफ साहब ने कोई बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है देखें अभी तक तो कोई समझाने में कामयाब नहीं हुआ कि कोई और रास्ता होना चाहिए और अगर कोई कन्विंस करने में कामयाब हो जाए तो क्यों नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है हम कोई दूसरा रास्ता लेकिन अभी तक कोई समझाने में कामयाब नहीं हुआ और ये कोई हम कोई अलीहदा से कौम नहीं है या अलीदा से एक अपनी कोई चीज नहीं बना फार्मूला बना सकते पूरी दुनिया में तजर्माना काम हो चुका है कारोबार नहीं करना चाहिए नसरुल्ला साहब हुकूमत तो अपनी पोजीशन पे डटी हुई है वो यही है कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कह लें इसको आप या प्राइवेटाइजेशन कह लें छब्बीस फीसद स्टेक देना है और मैनेजमेंट भी देनी है उसपे हुकूमत खड़ी हुई है नसरुल्ला साहब देखिए जी तलाल साहब ने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने क्योंकि तलाल साहब जो है वो जाहिर है वो इस चीज में शामिल नहीं है तो इसका फैसला तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने करना है दूसरी बात यह कि अगर हुकूमत अपनी जगह पर डटी हुई है तो मैं नहीं समझता कि अब हमें बुलाने के बाद वो उसी मौके पर डटी रहेगी तीसरी बात यह कि हम कोई बंदूकें लेके तो अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं हुए थे जाहिर है वो हमारी हुकूमत है हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे ही जो है वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर या ऊपर बैठे हुए हैं तो हम तो उनसे जाहिर बातचीत ही करेंगे हम कोई बंदूकें लेके नहीं खड़े हुए थे कि कोई चलो ईगो का मसला बनाया हुआ है अभी शर्मिला फारूकी साहब ने भी पॉइंट आउट किया मैंने भी बताया कि तलाल साहब ने यह स्टेटमेंट दिया था कि हम हमने लिफ्ट नहीं करवाई ना इसलिए वो फिर अपनी स्ट्राइक खत्म

इदारों के खसारों की वजह से होता है ये पैसा कहीं और यूटिलाइज हो सकता था ये सोच तो बड़ी मजबूत है फिर हुकूमत की अगर इस नुकसान को बचा के पैसा कहीं और खर्च किया जा सकता है तो देखिए शहजाद साहब मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी जो मैं पहले कर रही थी मुझे ये बताया जाए कि क्या हुकूमत की कोई प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है क्या ऑब्जेक्टिव हैं दुनिया भर में आप पॉलिसीज बनाते हैं आपकी स्टेटेड पॉलिसी क्या है क्या वो पॉलिसी पार्लियामेंट में डिस्कस हुई क्या वो पॉलिसी कैबिनेट में डिस्कस हुई क्या वो किसी ऑफिशियल फॉरम पे डिस्कस हुई देखिए दुनिया में डेफिनेटली ऐसे इंस्टीट्यूशन uh, होते हैं जो 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 फ़ायदेमंद नहीं होते जिनका काम प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता उनका काम होता है कि आप आवाम uh, को अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड करें जिस तरह रेलवे है जिस तरह दीगर इदारे आप रेलवे को भी तो बेल आउट पैकेज देते हैं ना आप स्टील मिल को भी तो बेल आउट पैकेज देते हैं ना क्यों नहीं आप पी आई ए को बेल आउट पैकेज दे के आप फ्लीट इंक्रीज कर दें आज आपके पास चालीस जहाज है हर जहाज के ऊपर सात सौ नहीं दिया जा रहा आपके ख्याल में क्या चाहती है हुकूमत क्यों पी आई ए ये, ये तो, तो जो ये, जो ये तो देखिए देखिए अगर आप 40 से 80 जहाज कर देते हैं तो यही आपका पर प्लेन जो आपके मुलाजमिन है उनकी तादाद कम हो जाती है आपके ओवर हेड हेड जो एक्सपेंसेस हैं कॉस्ट हैं वो कम हो जाती है अब ये तो ये बताए ना कि ये क्यों पीछे पड़ गए आज से ढाई साल पहले जब मियाँ साहब हुकूमत में नहीं थे तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी ये थी कि हम पी के अंदर प्रोफेशनल बोर्ड लेकर आएंगे हम पी की फ्लीट बढ़ाएंगे हम पी को लैंडिंग राइट्स देंगे हम पी में प्रोफेशनल चेयरमैन लगाएंगे एम लगाएंगे आज ढाई साल बाद ऐसा क्या हो गया कि ये

जो दोनों जानब से दोनों पार्टियों को मुतमिन कर सकें ये बड़ी एक मस्बत डेवलपमेंट होगी अगर ऐसा हो जाता है हम इस बात पे यकीन लेकिन सर हुकूमत की जरा पोजीशन देखें ना वो कहेंगे कि हमने 2014 का धरना नाकाम कर दिया हमने पीआईए की हड़ताल जो कि पी आई में देखिए मैं, मैं हमने जो है इस मामले में कयास कायल नहीं हूं मैं मेरी ख्वाहिश है हमारी सब की ख्वाहिश है कि ये बातचीत जो अब शुरू होने वाली है हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान ये कामयाब हो इसमें मुल्क का भला है मुलाजमी का भला है सब का भला है मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा क्योंकि मैं एक एयरलाइन को चला चुका हूँ मेरा तजुर्बा है चीफ एग्जैक्टिव एक प्राइवेट एयरलाइन का कि पी आई ए को एक मुनाफा बख्श अदारा बनाया जा सकता है शर्मिला साहबा बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि पी आई ए में इतनी इस्तात है ठीक है कि इसको अगर सही पैकेज दिया जाए और सही मैनेजमेंट लाई जाए तो ये दो से तीन साल के अरसे में ये प्रॉफिट बना सकती है ठीक है मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं आज से चालीस साल पहले सेवनटी सेवन सेवनटी सिक्स सेवनटी सेवन में पी आई ने रूजल्ट होटल खरीदा था न्यूयॉर्क में मैं उस वक्त नेशनल बैंक न्यूयॉर्क में मुलाजिम था और मैं लोन ऑफिसर था उस वक्त पी आई के डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि जी हम आइंदा दस साल में बीस होटल खरीदेंगे चालीस साल गुजारने के बाद पी आई ने सिर्फ दो होटल खरीदे तो मैं कहता हूँ अगर मनसूबाबंदी सही की जाए ठीक है आप आपको तो, लगता है है वहां पे विजन तो और बेशुमार हैं पीआई की है, मुझे एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हमने दूसरा इशू है सिंध को इस वक्त तकलीफ ये है कि नैब इस वक्त उनके खिलाफ जो है उनको हरासा कर रहा है उनके जो पॉलिटिशियंस है उनको भी हरासा कर रहा है ब्यूरोक्रेसी को भी हरासा कर रहा है इस पर भी वो कहते हैं कि वफाक पीछे पे बात होगी एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक प्रोग्राम के आगाज में हमने बताया था कि पीपल्स पार्टी को वफाक से एतराज सिर्फ पी आई ए पर नहीं है उनको एतराज नैप की कार्रवाईओं पर भी और खासतौर पर शर्जील मेमन का नाम ई सी एल पर डालना और उनके खिलाफ केस कायम करना इस पर कल वजीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा था कि ये इंतकामी कार्रवाई है तो तलाल साहब क्यों वफाक जो है इस वक्त इंतकामी कार्रवाई कर रहा है सिंध के साथ सबसे पहले तो जो नैब है जी वो आ, उसका सरबरा जो है वो अपोजिशन लीडर की मशावरत से लगाया जाता है एटीनथ अमेंडमेंट के बाद और मेरा ख़्याल है कि अगर कोई नैब से इतराज़ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि भी उसे उसका जो सरबरा है उन्होंने जब मंतखब किया तो क्या ऐसे आदमी को नहीं किया था जो दयानतदार है जो अपना काम ईमानदारी से करेगा और मेरा ख़्याल अगर कोई ऐसा अदारा जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक अदारा है और उसको अगर वो अपना काम कर रहा है तो उसे काम करने देना चाहिए और हमें ये अदालतों पर और अदारों पर छोड़ना चाहिए कि अगर किसी ने करप्शन नहीं की तो खुद ही वो छूट जाएगा इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है फिकर की बात तो ये है कि हम करप्शन करने वालों को प्रोटेक्ट करें और अगर हम इसी तरह प्रोटेक्ट करते रहे पहले जो हशर और हालत हुई है और पहले जो ये जमूरीत को गाली पड़ती है वो इसी वजह से पड़ती है जब हम डिलीवर नहीं करते जब हुकूमत के नाम पर लूट मार की जाती है और मेरा ख्याल है कि पिछले दो अदवार में जो कुछ हुआ है और जो कुछ कहानियाँ सामने आई हैं वो आपने मैंने सबने सुनी हैं तो मेरा ख्याल उसमें बहुत कहानियों में बहुत हद तक हकीकत भी है तो ये कहना कि करप्शन हुई नहीं इस पर तो कोई दो राय नहीं बिल्कुल हुई है और अब उस पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो मेरा ख्याल है कि कार्रवाई के अंदर रुकावट नहीं बननी चाहिए ठीक है तो मुझे ये बताएं तलाल साहब लेकिन ईसीएल पर डालने का मामला ये तो नैब के चेयरमैन के हाथ में नहीं है उनकी तरफ से सिफारिश जा सकती है कि हमारे हमने रेफरेंस दायर किया हुआ है लेकिन ये तो फिर वजारत दाखिला का काम है ना कि किसको ईसीएल पर डालना है या किसको नहीं डालना है देखिए ईसीएल e के लिए आ, पिछली हुकूमतों की तरह हमने कोई फ्री फॉर ऑल नहीं छोड़ा हुआ कि जब जिसका दिल किया वजारत दाखिला ने या वज़ीर दाखिला ने तो उसका नाम घरेलू झगड़े की वजह से भी ईसीएल e में डाल दिया जाए किसी सियासी मुखालफ का नाम डाल दिया जाए एक पॉलिसी बनाई गई है उस पॉलिसी पर ना सिर्फ हजारों नाम निकाले गए हैं बल्कि डालने का भी एक तरीका कार है और अगर कोई अदारा जब कहता है सिफारिश करता है तो फिर उसमें डिस्क्रिशन जो है वो वजारते दाखला इस्तेमाल नहीं करती बल्कि अदारे की रिकमेंडेशन पर लोगों को इसी एल पर डाल दिया जाता है अच्छा शमीला फारूकी साहब ये कह रहे हैं दलाल साहब के जो करप्शन की कहानी हमने सुनी है उसमें सदाकत कहीं ना कहीं जरूर है और ये प्रॉब्लम है कि करप्शन करुप, कर, करने वालों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उनको, उनको सपोर्ट किया जा रहा है देखिए मेरे ख्याल है कि तलाल साहब ने पहले भी पी आई ए की इस हड़ताल और इस मुजाक्रत के हवाले से एक बहुत जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिए है जिस तरह मैंने पहले शुरुआत में कहा था इस किस्म की गुफ्तु ऐसे नाजुक मराइल पर अच्छी बात नहीं है सिमिलरली अभी जो ये गुफ्तु करें मेरा ख्याल है कि अगर तो ये कोई स्टेट पॉलिसी है हुकूमत की जानब से कि आपोज़िशन की लानत मलामत करनी है तो वो और बात है लेकिन अगर इनकी जतीि राय है तो मैं समझती हूँ कि उनको थोड़ा सा अ पार्लियामेंटेरियन उनको थोड़ा सा अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करना पड़ेगा देखिए जहाँ तक करप्शन की बात है तो एक हमने एफ़िडेविट देखा था इसगदार साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग में दिया था और इस बात का अतराफ़ किया था कि जनाब मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है और किसके लिए की है मैं अब क्या उसका नाम लूँ सारा जहाँ जानता है ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर हमने नहीं, तो आप ये नहीं नहीं कह रही कि उपर... शर्जील मेमन करप नहीं है आप कह रहे हैं कि इसाकदार ने भी जो है यही काम किया था मैंने तो शर्जील मेमन का नाम ही नहीं लिया देखिए अगर किसी पे इल्जाम है तो वो उसी तो हवाले बिल, से बिल्कुल जी जी वही कह रहा हूँ आप अपने इल्जाम डिफेंड नहीं कर आप उन पे इल्जाम लगा आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि करप्शन को डिफेंड कर रहे हैं या करप्शन हो रही है किसी का नाम नहीं ले गया देखिए अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई काम किया है तो वो उसका जिम्मेदार खुद है वो अपना दफा खुद आके कर सकते हैं और मैं समझती हूँ कि शर्जील अपना दफा खुद कर सकता है मुझे उस उनका दफा करने की जरूरत नहीं है दूसरी अहम चीज़ यह है कि यस हम हमें देख रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के अंदर भी हमें सिर्फ सिंध एक्शन प्लान नज़र आ रहा है हमें ना पंजाब ना खैबर पखतूखा न बलोचिस्तान के अंदर कहीं भी नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन या कार्रवाइयाँ नहीं नज़र आ रही हैं ना हमें पंजाब में मिलिटेंसी का खात्मा नज़र आ रहा है औरेंज ट्रेन का अगर आप मैं जिक्र उठा लूँ तो जनाब उसमें आप लोगों को मिसमार कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को मिसमार कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन आपको चिट्ठी लिख रहा है लेकिन आप किसी की नहीं सुन रहे बादशाह की तरह आपने जो बनाना है वो बनाना है जिस तरह बादशाह एक फैसला

देखिए मैं तो चाहती हूँ कि इदारे अपना काम करें हर इदारे का अपना एक मैंडेट है अगर रेंजर्स टारगेटेड ऑपरेशन में कराची में काम कर रही है तो अच्छा काम कर रही है सिंध पुलिस के साथ वो काम कर रही है सिंध पुलिस के लोग शहीद हुए हैं रेंजर्स के लोग शहीद हुए इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन मुझे एक, एक बात बताइए ना क्या पंजाब में रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है जहाँ का सिटिंग होम मिनिस्टर जो है वो शहीद कर दिया गया क्या खैबर पखतूा के अंदर रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बादशाहान यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा सानह हो गया मुझे आप बताइए कि क्या सिर्फ कराची के ही अंदर ज़रूरत है मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में उनको भेज दीजिए वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं दूसरी चीज़ ये है कि नैब की भी कार्रवाइयाँ हमें सिंधक ही महदूद क्यों नज़र आती हैं क्या आपको पंजाब में कोई सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं

शहजाद साहब मैंने कौन सा ऐसा गैर पार्लिमानी बात कही थी मैंने तो कहा करप्शन को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए जमहूरियत को गाली इसलिए पड़ती है जब डिलीवर नहीं करते और जमहूरियत के नाम पर फिर लूटमार की जाती है मैंने इसमें कौन सा गैर पार्लिमानी लफज कहा है और हर बात का यह कह देना कि पंजाब में क्योंकि ऑरेंज ट्रेन बन रही है इसलिए हम करप्शन करेंगे या वहां फला हो रहा है तो इसलिए हम ठीक नहीं अपना जवाब देना चाहिए ना कि यह बहाना साजी कि पंजाब और वफाक पूरी दुनिया जानती है कि पंजाब की गवर्नेंस पंजाब के मंसूबे जो हैं, वो अब दूसरे सूबों से बहुत बेहतर है हम तो कुछ बनाते हैं तो तनकी होती है कभी मेट्रो पर कभी मोटरवे पर कभी मोटर कभी और और पे ही कुछ नहीं उन पर तनकीद क्या करें जिनसे गटर के ढक्कन भी नहीं लगे उन पर तनकीद्या हो सकती है देखिए अगर आप अगर आप मेरी हुकूमत और मेरी पार्टी के हवाले से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देंगे कि जी करप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं और लूट गैर पार्लिमानी है दे। आप नहीं आप एक सेकेंड मैं, मैं मैंने तो ये नहीं कहा ना कि आपने दुनिया की महंगी तरीन मेट्रो बस बना दी चौबीस किलोमीटर चवालीस अरब रुपए बना दिए यहाँ भी नहीं बना रहे हैं छब्बीस परसेंट देखिए बात नहीं आप मुझे बताइए कल साल बाद एक किया आप ऑरेंज के ट्रेन के ऊपर हाँ हा, लेकिन हमने लोगों के घर नहीं रोंद ना हमने कोई हेरिटेज साइट बर्बाद नहीं करी ना हमारे ऊपर यूनाइटेड नेशन ने चिट्ठी नहीं लिखी ना आपके ऊपर लिखी आप फिर भी कहते हैं मनसूब अच्छा देखिए बात यह है कि जो चीज है

वो होता हुआ नजर नजर नहीं, नहीं आ रहा और मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी में जैसे कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड अगर जैसे डॉक्टर आसम का वाक्य है ठीक है अब वो इतना लंबा खींच गया है कि अब वो उसके जो नफी असरात हैं वो सामने आ रहे हैं ठीक है फिर मैं ये कहता हूँ कि आ, आ, काफी इदारे अपना रोल सही मानों में अदा, आ, अदा नहीं कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि नैब खुद इस बारे में यानी अभी से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से आ, नाकाम रही है आ, वो तमाम फरैज अंजाम देने में जो जिसके लिए इसको इसको कायम किया गया था अभी भी आपके ख्याल में यहाँ शर्मिला मौजूद है इस प्रोग्राम में मैं ये भी समझता हूँ कि कौमी असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो सरबरा हैं खुर्शीद शाह साहब अब उनका फर्ज है कि वह पब्लिक अकाउंट कमेटी को और ज्यादा फाल बनाकर तमाम भी गवर्नमेंट के जो अखराज हैं या गवर्नमेंट की आमदनी है गवर्नमेंट के ने, है। ने बड़ा अच्छा काम उन किया था बारे में जो कुछ भी सामने आ सकता है वाम के वो लेकर आए सर ने सर 2014 का जो एहत बिल है वो पास किया एक्ट बनाया हामिद खान साहब ने बड़े वहां पे काम किए बड़ी कार्रवाई हुई रेफरेंसिस भेजे आज नदी मलिक साहब के प्रोग्राम में वो कह रहे हैं कल मैं इस्तीफा जमा करवाने जा रहा हूं क्योंकि एहतसाब कमीशन का जो बिल था उसमें अमेंडमेंट ला रहे हैं और उससे हमारे पावर्स को कम करने की कोशिश की जा रही है तो जो एहत का आपने एक विजन दिया था वो जी, है जी जी, जी जनरल ने यह कहा है इसमें कोई शक नहीं कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं आ, उनका इस बारे में था कि एक जो अमेंडमेंट जो सरहद असेंबली ने पास किया उसमें था कि एहतिसब जब भी किसी जो कमीशन जो है

दो हफ्ते पहले तक या दो महीने पहले तक खान साहब बड़ी ने ने। तारीफ कर रहे थे कारकर्गी और बेहतर हो सकती थी जो मुख्तलिजूहत कोई मिनिस्टर था जिसके के केस पे हम बात कर रहे थे आठ दस महीने हो गए खान साहब को हथ लिखा है मैं आठ दस महीने से पढ़ाऊं मुझे या तो जेल में बंद करें मुझे सजा दें या मुझे छोड़े ये इतजाब कमीशन ने उनको पकड़ा था अब वो हमारे अख्तियार में है नहीं ये चीज तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये निजाम की खामियां हैं ठीक है जहां इंसाफ नहीं हो पाता जहां पुलिस अपने अंजाम नहीं दे पाती ये ये आपके बगरा, लिए बगरा। एक सियासी चैलेंज भी बनेगा बड़ा क्योंकि इस एहतसाब एक्ट को आपने बड़ी इसकी तारीफ की हामिद खान साहब की बड़ी तारीफ की अब कल वो इस्तीफा देगा क्या रद्द मिलेगा ये मेरे ख्याल से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर थे हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाजरीन दो सितंबर 2014 का यह वाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंटेनर डी चौक पे लगा हुआ था धरना अपने उरूज पे था उस वक्त पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था और उसमें पीपल्स पार्टी के सीनियर एतजाज रहनम साहब ने यह प्रोडिक्शन की थी कि आज तो अपोजिशन की जरूरत है नू लीग को लेकिन इनका काम पूरा हो जाएगा इसके बाद सरिया आ जाएगा गर्दन में कहीं उनकी प्रोडिक्शन दुरुस्त तो नहीं हो गई तलाल चौधरी साहब धरना फेल पी की हड़ताल फेल फेल फिर सरिया सरिया ही मजबूत हुआ होगा देखिए जी धरना हो या कोई और बात जो जो पार्टियां हैं और नून लीग हम तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि इस बात पे कि करप्शन को छुपाया जाएगा पाकिस्तान को बदमनी से नहीं निकालना कराची ऑपरेशन को का कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए इसी तरह नेशनल वाइज कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ जिससे कि लोगों को और जिंदगियां और मुश्किल हो जाए तो ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ ना हमने कभी किया है ना हमने किया था और इसका मतलब वो सिस्टम के साथ खड़े खड़ा कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं आपकी पार्टी के जिन पे ईसीएल जिनको ईसीएल पे डाला है पंजाब में पुराना मशहूर साहब के बारे में बात होती है कितने ऐसे लोग वक्त मुझे मालूम नहीं कि नून लीग का कोई आदमी है मेरी बात देखिए ना शहजाद साहब मेरी बात इसका एक तरीका कार है अगर कोई अदालत अगर कोई अदारा हमें लिखेगा इंटीरियर मिनिस्ट्री को इंटीरियर मिनिस्ट्री डाल देगी ये पिछली हुकूमतें नहीं है कि वजीर दाखिला का दिल करे और उसकी अपना जतीि झगड़ा हो किसी से उसका नाम भी ईसीएल e में डाल दिया जाए और किसी का दिल करे तो 20 साल नाम ईसीएल e से निकाला ना जाए एक पॉलिसी बनाई गई उस पॉलिसी पर जो फिट आता है वो नून का है वो काफ का है वो पी, -पी, -पी का है वो किसी का भी है उसका नाम ई e में चला जाता है जी तलाल साहब वो बात ठीक है लेकिन इसमें जो जैसे नई मुलाक साहब कह रहे हैं ना कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए शर्मिला फारूकी कह रही है लोगों से लिया जा रहा है पंजाब में नहीं है तो फिर ये नैब को हरकत में आता हुआ कब देखेंगे कि वहां पर भी वही सलूक हो रहा है जो शर्दील मेहमान साहब के साथ हो रहा है देखिये नैब पंजाब में भी कार्रवाइया कर रही है यहां पर दो सबक प्राइम मिनिस्टर हैं जो दोनों का तलक पंजाब से है इसी तरह और बहुत सारे केसेस मैं गनवा देता हूं जिनका ताल्लक पंजाब से है पंजाब यहां भी कार्रवाई लेकिन यहां पर देखिए ना पंजाब का नाम लेके जब हमें इल्जाम कोई लगता है करप्शन का या किसी और चीज का फिर हम पंजाबी बलोची सिंधी बन जाते हैं फिर हम वकील बन जाते हैं पॉलिटिशियंस बन जाते हैं कोई ना कोई ओढ़ लेते हैं ताकि छुप सकें देखिए जो अगर किसी ने करप्शन की है तो वो करप्ट है वो किसी भी पार्टी का है अगर चोर चोरी की है तो वो चोर है भाई और अगर कोई दहशतगर्द है तो वो दहशतगर्दी उसने की है तो दहशतगर्द है इस बात से कि ये पंजाब और सिंध इस नाम लेकर हमें बचना नहीं चाहिए बल्कि अपने आप को पेश करना चाहिए, तो चाहिए चाहिए और करप्शन हुई हुई है है अगर लगना आपको बिगड़ेंगे बिल्कुल ठीक है एथनिक बुनियाद पर तो नहीं बनने चाहिए लेकिन शमिला फारूकी साहब यहां पे सूबो की भी जिम्मेदारी होती है ना फिर अभी मैंने आपको मिसाल दी थी रेंजर्स के हवाले से उनकी पावर्स को भी कटेल किया गया अब जब उनको वापस उनके पावर्स को फ्रेश किया गया तो कोई इसमें कंडीशन नहीं लगाई

आज भी रेंजर्स के हवाले से जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें आज भी हमारा यही मौकाफ है कि जो असेंबली का एक रेजोल्यूशन है वो अपनी जगह मौजूद है हाँ अगर वफा यह इंपॉर्टेंट बात है, है। उनके पास क्लियर कर दें क्योंकि उस उस जो रेजोल्यूशन थी उसमें ये कहा था कि चीफ मिनिस्टर से इजाजत लेनी पड़ेगी उसमें टेररिज्म का वर्ड नहीं था टेरर फाइनेंसिंग का वर्ड नहीं था

चंद माह जो रेंजर्स अपना काम कर रहे हैं अपने दायरे कार के अंदर रहके कर रहे हैं आपने किसी किस्म की कोई कोई तहफात या कोई इशूज देखे हैं गवर्नमेंट के रेंजर्स के हवाले से आपने देखा है कि चीफ मिनिस्टर ने कोई देखिए असेंबली में जब रेजोल्यूशन आया और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने जब नोटिफाई किया रेंजर्स को तो उसके बाद आपने कहीं पर कोई देखा कि कोई इशू पैदा हुआ कहीं पर कि सिंध गवर्नमेंट ने कोई इशू उठाया है तो हर अगर इदारा अपने दायरे कार में रह के काम करेगा तो हमें क्या त्रास है जो जिसका मैंडेट है वो उसका मैंडेट है वी एक्सेप्टेड अब आ जाते हैं बात जिन जीद, दीगर चीज़ों के हवाले से हम किसी के ऊपर हम किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं. आपने खुद ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि जनाब राना मशूद की भी तो वीडियो आई है ना उस पर क्या कार्रवाई हुई क्या मॉडल टाउन सानहे में इन्वेस्टिगेशन होने से पहले राना सनाउल्ला का नाम ई सी एल पर डाला था या उसके बाद डाला है

और जब आप नहीं करेंगे तो आप... हम बोलेंगे कि कि भाई कार्रवाई हो रही है और वो एक सूबे में हो रही है और वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रही है आप हमें रीजन दे रहे हैं बोलने का बिकॉज वो चीजें नजर आ रही हैं कि दे कि आपका जो एक एटीट्यूड है और माजरत के साथ माजरत के साथ हर इशू के ऊपर जो तकबर है हुकूमत का जो गरूर है इसे कोई पसंद नहीं करता अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता इवन ये नहीं होना चाहिए, और चाहिए। और मामले पे के अंदर, जिस जिस तरीके से हुकूमत इसीलिए मैंने के पूछा था पर देंगे, जेल में डाल देंगे देखिए ये हुकूमतें इस तरह इस तरह गुफ्तगु नहीं करती हैं। इसीलिए मैंने शमीला सवाल पूछा मजबूत तो नहीं हो गया सवाल करना है जी जी शहजाद साहब बात यह है कि ये बात यहाँ अना परस्ती की या गुरूर की नहीं है असूल परस्ती की है मेरे भाई क्या असूल छोड़ दिया जाए असूल परस्ती अगर किसी को अना प्रस्ती लगती है तो फिर उसका अपना एंगल है देखने का हम अल्लाह की मेहरबानी से हमारा कोई ईगो नहीं है हम कौमी मुफाद जो है वही सबसे मुकदम है कोई ईगो नहीं आज ना आपने बात की थी, थी, थी और ये लिफ्ट नहीं करवाते तो फिर इस तरह तो टेबल टॉक पे नहीं होता ना कि अगर हम मेरे नहीं भाई, तो, वो हो तो मेरे भाई नजर आते हैं जिसके इशारा करें शर्मिला शहजाद साहब आपका ये जो मेरी स्टेटमेंट है ये एहतजाज कॉल ऑफ होने से पहले की और ये आपने एक उसका पीस निकाला है पूरी स्टेटमेंट निकाल लें

पी आई ए को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट डालेगा तो उसके साथ वही सलूक होगा जो दुश्मन के साथ करना चाहिए जो हड़ताल पे जाएगा उसकी नौकरी खत्म होगी मेरी दरखास्त है उन डॉक्टर्स की जो स्टेटस को है जो अपने जाति मफादा के लिए रुकावट डाल रहे हैं आप आवाम दुश्मन है जो हड़ताल पे गए हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा वो एक साल जेल में भी जा सकते हैं इस चीज़ पर एतराज तो खान साहब और आपकी जमात करती है कि नून लीग का रवैया बड़ा डोमिनेटिंग है बादशाह नज़र आती है लेकिन फिर वही रवैया शराम साहब का भी खान साहब की भी वही लैंग्वेज इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है नहीं साहब सही कह रहे हैं आप मैं समझता हूँ कि यहाँ के यहाँ पे मियाँ साहब या इमरान खान साहब या और जो पर रशीद साहब या शाहराम तरा जो हमारे वजीर हैं उन्होंने जिन ख्याल का आधार किया उसका ताल्लुक उसी कानून से है जिसके आज बहस जारी है कि ये इसेंशियल सर्विस आप कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं दोनों की नहीं, नहीं देखें ये हुकूमत मरकजी हुकूमत या हमारी सूबाई हुकूमत ये इन हुकूमतों का काम होता है कि कानून को इस्तेमाल करके ठीक है कानून के इस्तेमाल करके मसाइल हल करे हुक्मरानों का कानून नहीं चलना चाहिए कानून की हुक्मरानी तो होनी चाहिए वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी मैंने देखा और सब लोगों ने कहा तो उस हवाले से बात हो रही थी मगर मैं समझता हूँ कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है ये दौर जो है ये थोड़ा सा अब ये अब नया एक दौर कल से शुरू हो रहा है आज रात से शुरू हो रहा है तब आप आगे बढ़े आगे बढ़ने का दौर आ गया झमेले में अगर आप पढ़ गए ना तो कोई मसला है मैं हैरान हूँ कि आप इस बात से मेरी इतवा करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरा का प्रोग्राम में के लिए नाजरी इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर एजाज